चुनौतियों को अवसर में बदल दे वही इंसान सफल होता है। पिछले 1.5 सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश और पूरा विश्व COVID-19 महामारी से गुजर रहा है। इसके दौरान आप सभी के स्कूल कॉलेजेज को कहीं न कहीं बंद रखा गया है और उसके कारण आप लोग अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर क्लासेज नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। आप लोग अपने अपने घरों में हैं, हो सकता है कुछ लोग कहीं और दूसरे जगह भी हों, लेकिन वो लोग भी ऑफलाइन मोड में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शायद बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि अपने शिक्षकों से भी कई महीनों से नहीं मिल पाए, लेकिन उनकी पढ़ाई अभी भी लगातार जारी है और कहीं न कहीं इस आपदा के समय भी आपको पढ़ाई हमेशा लगातार जारी रखनी पड़ेगी। देखिए, जब हम ऑनलाइन स्टडीज की बात करते हैं तो आपके पास कुछ चुनौतियां हैं ऑनलाइन स्टडीज में, जैसे कभी इंटरनेट की समस्याएं आती हैं आपके पास, कभी आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, कभी आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, बहुत सारी चुनौतियां आपको आती है। आप शिक्षकों से सीधे सवाल नहीं पूछ पाते हो, लेकिन इन सभी चुनौतियों के साथ साथ अगर इन चुनौतियों को दरकिनार किया जाए तो कुछ अच्छाइयां ऑनलाइन क्लासेज की हैं। जैसे कि आप जब ऑफलाइन क्लासेज किया करते थे, ऑफलाइन क्लासेज में किसी टॉपिक पर एक लेक्चर हुआ करता था, उस लेक्चर को आप जब अटेंड करने के लिए जाते थे तो आप उस लेक्चर के नोट बना लेते थे, आपने उस लेक्चर को अटेंड कर लिया। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपको 1 महीने 2 महीने बाद इस चीज को दोबारा पढ़ने का मन करता था, आप कहीं न कहीं चीजों को भूलने लगते थे, और उसके बाद अगर आपका ये मन होता था कि हम कहीं न कहीं उस फैकल्टी से क्या फिर दोबारा पढ़ पाएंगे ऑफलाइन क्लास में, तो वो संभव नहीं हो पाता था। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेज की देखें तो आपके पास यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उस वीडियो लेक्चर्स को आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं, जितना जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासेज की ये सारी अच्छाइयां हैं। इसलिए अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट है तो आपको कभी भी इस चीज का मलाल नहीं आना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आप इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान आपके फैकल्टी मेंबर्स आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा रहे हैं और उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। देखिए, चुनौतियों की बात करें, जरूरी नहीं होती है कि हमेशा परिस्थिति आपके अनुकूल होती है। आपको विपरीत परिस्थितियों में भी ठीक उसी तरह से पूरे मजबूती के साथ अपनी तैयारी करनी है जैसे कि आप अनुकूल परिस्थितियों में करते थे। आप अगर भगवान राम की बात करें तो भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, पूरा अयोध्या का साम्राज्य उनका था, लेकिन जब वो रावण से लड़ाई उनकी हो रही थी उस समय अयोध्या का कोई भी रिसोर्सेज वो यूज नहीं कर पा रहे थे, अयोध्या के कोई भी साधन संसाधन यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप देखिए उस व्यक्ति को किस तरह से उन्होंने चुनौतियों को का सामना किया और उस चुनौतियों को झेलते हुए उन्होंने रावण को अयोध्या के किसी भी संसाधनों का उपयोग करते बिना रावण को वहां लंका में जाकर पराजित किया, एवं उसके बाद वो साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बने और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कहलाए। तो इसलिए अगर आपको भी असाधारण बनना है तो असाधारण मनुष्य बनने के लिए आपको कहीं कहीं जितनी चुनौतियां आपके सामने आती हैं उन चुनौतियों का सामना कीजिए, उन चुनौतियों का मुकाबला कीजिए, और इसके बाद आप अपनी लगातार मेहनत और परिश्रम के बल पर आप उस सफलता को अर्जित कीजिए। दूसरी बात, आप लोग कहीं इस कारण से भी अभी निराश हो रहे होंगे कि कहीं वैकेंसीज कम नजर आती हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आपने पढ़ाई का मार्ग सिर्फ इसलिए नहीं चुना था कि आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई करो, आपने पढ़ाई का मार्ग इसलिए चुना था क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता था, और जब आप पढ़ाई में आ चुके हो तो एक बात ध्यान रखिए, आप मन लगाकर पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। और नौकरी अभी वैकेंसीज कम है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वैकेंसीज और अधिक हो जाएगी, इसलिए आपको इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि अभी वैकेंसीज कम आ रही है। आप कहीं कहीं अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जब वैकेंसी आए उस समय आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो
कि आप अप्लाई करें और आप कहीं अच्छे जगह सेलेक्ट हो जाओगे। इसलिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ाई में लगे रहिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का आप सामना करते रहिए और मुझे लगता है कि आप सभी लोग काफ़ी मजबूत हैं और जो इस तरह के पेंडामिक सिचुएशंस में अपने आप को संभाले हुए हैं, अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं।